जानते हैं नोटों पर गांधी जी ही क्यों हैं। हमारे देश में क्रांतिकारियों की कमी नहीं थी, लेकिन हमारे देश की करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो ही क्यों? ये बात तो सच है, देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का बड़ा योगदान था। देश को आजादी दिलाने के लिए और भी क्रांतिकारी लड़े थे, सूली पर चढ़े थे, तो फिर गांधी की फोटो रही क्यों? हम आपको बताते हैं कि नोट पर महात्मा गांधी की फोटो क्यों है। एक कारण तो हमें समझ आता है, गांधी जी इंडिया में हो या इंडिया से बाहर सबसे ज्यादा मान्यता देने के योग्य गांधी जी ही थे, जिन्हें हर कोई जानता था। इंडिया में तरह तरह के लोग हैं, हर राज्य के लोग चाहते हैं कि करेंसी नोटों पर हमारे राज्य के हीरो की फोटो हो। अब बात हिंदू मुसलमान के मजहब की भी थी, अलग अलग रिवाज के लोग ये चाहते थे कि करेंसी नोटों पर उनके मजहब का कोई जाबाज की फोटो हो। जितने तरह के लोग उतने तरह के ही मतभेद। महात्मा गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर धर्म मजहब और जाति के लोगों के बीच रह सकते थे। यही कारण था कि गांधी जी को करेंसी नोटों पर लाया गया। गांधी जी से पहले हमारे नोटों पर अशोक चरक हुआ करता था। अशोक चरक को हटाकर गांधी जी को जहक दी गई है।